पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा सोमवार से किए गए अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के बाद पूरे महानगर में विद्युत आपूर्ति लड़खड़ा गई। इसके लिए प्रभारी जिलाधिकारी व सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एसडीएम प्रशासन राजेश कुमार सिंह, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता विद्युत देवेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारियों ने पूरी रात उपकेंद्रों पर पहुंचकर बाधित विद्युत व्यवस्था को सुनिश्चित कराया। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह जब बरहुआ विद्युत केंद्र पर पहुंचे तो वहां डंफंड काट कर फेंका गया था। इसको प्राइवेट विद्युत कर्मियों की मदद से काफी मशक्कत के बाद जोड़ा गया। उसके बाद सीडीओ ने लालडिग्गी और दुर्गाबाड़ी उपकेंद्र पर पहुंचकर एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव के देखरेख में करीब रात्रि 3 बजे के बाद विद्युत व्यवस्था आपूर्ति बहाल कराए। फिलहाल विद्युत संघर्ष समिति के कार्य बहिष्कार पर जिला प्रशासन काफी सक्रिय रहा और जहां भी विद्युत आपूर्ति में दिक्कत आई उसे प्राइवेट लाइटमैन के द्वारा ठीक कराया गया और विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराई गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, हम लोग चलाएंगे ना कि आपके आने के बाद तुरंत चालू करो लाइट, किसी को परेशानी ना हो। वहां से आएगा यहाँ अंदर काम करने के लिए, जो ट्रांसफार्मर में लाइट वहां से जाता है तो अंदर काम करने के लिए जो है वहां काम करना है तब वहां से काटा जाता है। पीछे है जैसे वो लाइट काटने वाला होता है वैसे वहां से काटा जाता है, इधर लाइट नहीं आएगा तो लेकिन बोल रहे हैं कि वो क्या पीटीएमओ एडीएम एसडीएम साहब बोल रहे हैं पीटीएमओ खोलना है क्या हमारा हेलो, 76 15 कल भी आपके विद्युत विभाग के कर्मचारी और उनके संविदा कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार किया है, लेकिन जिला प्रशासन ने जिलाधिकारी के नेतृत्व में दोनों एडीएम साहिबान ने, मैं और एडीएम फाइनेंस ने पूरी व्यवस्था को चालू करने के लिए भरसक प्रयास करके चालू कराया है। कुछ केंद्रों पे अभी हमारे पास मैन पावर हम लोगों ने इकट्ठा कर ली है, वो भी केंद्र आज सुबह से चालू हो गए हैं। शहर में लाइट पूरे शहर में कल ही सुबह तक मेंटेन हो गई थी, 3 बजे के आसपास मेंटेन। आज भी सर कार्यों का बहिष्कार, आज तो हमारे सब जगह ऑफिसर्स तैनात हैं, सभी जगह हम लोगों ने लाइन मैन वगैरह प्राइवेट एजेंसी से करे हैं, SSOs जहां पर नहीं है वहां से हमने प्राइवेट एजेंसी से ले लिए हैं और लगातार सतर्क नज़र रखी जा रही है लाइनों पर, बिजली मेंटेन करने के लिए जिला प्रशासन जनता की सहायता के लिए पूरी तत्परता से लगा हुआ है।